हाँ भाई, जिस जगह पे घटना हुई आप उसी जो मकान था उसके एक हिस्से में आप रहते थे, क्या पूरी घटना हुई बताइए और कैसे बचे आप? जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसमें जो है हम सब लोग रहते थे, उसमें उस समय हम खेत पे चले गए थे। बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग हमारे जीजा जी की थी। उसमें जो है हम अपनी भैंस के लिए चारा काटने चले गए थे, हमारी बहन भाई में थी। उसके बाद में हमने स्पोर्ट की आवाज़ सुनी तो हम वहाँ से हम भाग के आए थे। उसके बाद में हमने यहाँ कुछ नहीं देखा, हमारे जीजा जी जो है वो एक्सपायर हुए, उसमें पता ही नहीं चले। फिर बहुत देर में हमने ढूंढे पहचाने, फिर उसके बाद में जो है हमारी बहन जो है वो अलग पड़ी हुई थी, उन्हें उनको जो है एडमिट कर दिया गया। कितने लोग खत्म हुए थे पुलिस में? 8 लोग खत्म हुए थे। तो आपकी किस्मत अच्छी रही कि आप बच गए। अच्छा, सारे लोगों को जो है वहाँ में उसमें जो है और सामान जो है हमारा गेहूँ है भूसा है और जो है सामान वगैरह जो हमारा पैसा वगैरह वो सब उसी में रहा। ये कब से चल रहा था वहाँ पर पटाखे? पटाखे वाला करीब कई साल, दो साल हो गया। तो हादसा हुआ तो क्या देखा, किस तरीके से हादसा हुआ? हादसा हुआ तो एकदम धमाका हुआ था बहुत तेज से, फिर हमने आवाज़ देखी, धमाका सुना, हमने देखा तो उधर से बड़ा धुआं निकल गया था। अच्छा, पटाखे जो बनते थे वहाँ पे वो कितनी मात्रा में बनते थे? बहुत बड़ी मात्रा में बनते थे या छोटी मोटी मात्रा में बनते थे? नहीं ये नहीं पता, हम उधर जाते ही नहीं ज्यादा थे। अच्छा, केवल पटाखे बनते थे या कुछ बड़ी चीज भी बनाते? पटाखे बनाते थे वो, उसके बाद लिंटर दीपावली के पटाखे बनाते थे। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही कि वहाँ पे जैसे कारतूस वारतूस भरे जाते थे, इस बारे में कोई जानकारी है? कुछ नहीं, दीपावली के पटाखे बनाते थे।